यहाँ कहीं आप बाहर निकले या वॉशरूम गए उसके बाद आपने इससे हाथ धोने हैं और अच्छे तरीके से, और ज़्यादातर अपना टाइम जो है घर में गुजारना है, घर से बाहर नहीं जाना है। आपको पता ही है कि आज जो ये कोरोना वायरस है, जाएंगे या घूमेंगे तो ये जो वायरस है ये हमें दिखाई नहीं देता है, ये कहाँ किसके ज़रिए कहाँ पर फैल जाता है इसका कोई पता नहीं होता है। इसलिए अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं, अगर यहाँ से कोई गया हो उसका वायरस वाला पेशेंट, तो वो वायरस छूट जाता है, और जिसकी लाइफ कहीं पे दस कहीं पे हफ्ता होता है तो ये आपको पता ही है कि आज ये दिखाई नहीं देता। ये वायरस जो चाइना से स्टार्ट हुई ये बीमारी, इसने पूरी तरीके से हमें गिरफ्त में ले रखा है, तो इसको हराने का एक ही काम है, एक ही तरीके से हम इसको हरा सकते हैं, अगर हम अपने अपने घरों में बैठ के रहेंगे। जैसे आप लोग फिरते हो, चीज़ें बंद करेंगे तो आप सेहत या आप खुद भी रहेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, भी हम अच्छे तरीके से हरा सकते हैं। अगर हम ये चेन जो है तभी कम्प्लीट सक्सेसफुल बना सकते हैं, और इस बीमारी का जो जड़ बाहर से अंदर, चूँकि बाजार में हमने बहुत कोशिश की थी सैनिटाइजर ढूंढने की, तो सैनिटाइजर उसकी तादाद ही ख़त्म हुई, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी सारा बंद है। तो ये लाइफ है, यही बैक्टीरियल साबुन है, तो जब आप वॉशरूम जाए या बाहर जाए, बाहर से आके पहले हाथ साबुन से धोए, अच्छे तरीके से साबुन से धोएँ, और उसके बाद आप अपने कमरे में जाएँ या जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं वो करें। यहाँ पे हम डोर टू डोर जा रहे हैं, कल भी हम डोर टू डोर जा रहे थे, तो ज़रूरत हो अवेयरनेस की उनको अवेयर करते हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि आज हमें जो हमारे हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, तो ये जो वायरस है बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, और ये इतना ख़तरनाक है, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, लोगों को ये लग रहा है कि ये कुछ नहीं है, मगर ये इतना ख़तरनाक है। आप देखिए सुपर पावर जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो इसकी गिरफ्त में है, अमरीका चाहे चाइना हम बात करें, बाकी यूके की बात करें, फ्रांस की, और कितने टाइम तक हाथ धोने हैं, किस कहाँ कहाँ पे किस तरीके से उंगलियों को साफ करना है, मिडल फिंगर बैक सारा कुछ हमने इसमें दिखाया है। तो ये आप रख लीजिए, इसको आप फॉलो करें ताकि हम इस वायरस का जो ये खात्मा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मगर ये तभी मुमकिन होगा जब हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, आप घरों में रहें, खुशहाल रहें। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है, ये आया था हमारा बोला इस पास कि बच्चों ने बाहर नहीं फिर देना, अंदर रखना है, आगे पीछे ये जो इसकी वजह जो बीमारी है हो रही है उसकी वो हमने सुरक्षा करनी है, अंदर रखना है, इसके वास्ते तुमने 24 घंटा जरूर वो अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना, उस वास्ते करके जो किसी चीज़ को भी दुख दर्द है इन्होंने एक नंबर दे दिया अपना कि उसके ऊपर तुमने अपना कन्फर्म करना है, इन्होंने बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारा पता उठा हमें या हमें जे हमारे 24 घंटा सुरक्षा करें, मैं भी शुक्रगुजार हूँ सरकार वास्ते। हम यह करें कि मारो 24 घंटा ये सुरक्षा करें, हमें मारा को पता लगे हमारा कि तुम्हारा की दुख है की मुसीबत है, ये अंदर है या बाहर है किस चीज़ में है, ये पहली बार है हमारे को, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।